संभावना उच्च विद्यालय में 5 दिवसीय दीपोत्सव का कार्यक्रम कार्यशाला प्रारंभ हुआ, जिसके पहला दिन उद्घाटन सत्र में विद्यालय के निदेशक ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने किस प्रकार दीपों में दीपमाला में दीपोत्सव में उपयोग होने वाली सामग्रियों का निर्माण किया। विद्यालय के प्रबंध निदेशक कुमार देवेंद्र जी, यह महोत्सव जो लग रहा है हमारे यहाँ दीपावली को ध्यान में रखकर लगाया जा रहा है, क्योंकि दीपावली में हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई के साथ साथ हम अपने हैं और इसी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर ऐसा वर्कशॉप, ऐसी कार्यशाला लगाई जाती है ताकि आप विद्यार्थी जीवन में हो पठन पाठन के क्रिएटिविटी भी अच्छी है। तो जाहिर सी बात है चांस अगर कहीं मिलना होगा तो किसको मिलेगा, जिसकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उन बच्चों को चांस मिलेगा। इसलिए संभावना समय समय पर चलता है कि हम अपने बच्चों को, हम अपने छात्रों को भी ऐसा संरक्षण दें, ऐसा माहौल प्रदान करें कि पठन पाठन के अलावा भी ऐसी गतिविधियां, ऐसी रचनात्मकता आपके अंदर विकसित हो और आप उस चीज को अपने घर में, अपने आगे के जीवन में ले सके और उससे आगे बढ़ सके और उससे अपने जीवन को आयोजित दीपोत्सव कार्यशाला में आप सभी छात्र छात्राओं का, मीडिया कर्मियों का, जो हमारे प्रशिक्षक हैं उनका और विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अर्चना सिंह का बहुत बहुत स्वागत है। यह कार्यशाला अगले 5 दिनों तक चलेगी। 5वें दिन यानी 31 अक्टूबर को इस कार्यशाला से जो भी चीजें तैयार होंगी उसकी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी और जिन बच्चों का कार्य बढ़िया होगा उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि जैसे बाजार से हम सारी चीजों को खरीदते हैं, दीपावली के अवसर पर बहुत सारी घरों में सजावट का काम होता है, बच्चे ही सजाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, तो पटाखा का तो कोई ट्रेनिंग यहाँ नहीं दिया जाएगा लेकिन मोमबत्ती बनाने का ट्रेनिंग, विभिन्न तरह के खिलौने बनाने का ट्रेनिंग, सजावट का सामान बनाने का ट्रेनिंग, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको अगले 5 दिनों तक मिलेगी और जो आप सीखेंगे उसका घर पर भी अभ्यास करेंगे और यहां भी आपको बताया जाएगा और जो भी चीजें तैयार होंगी उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कला के माध्यम से जो भी चीजें विद्यालय, जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने राखी के अवसर पर राखी मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया था, बहुत सारे बच्चों ने उसमें भाग लिया था और उन राखियों को हम लोगों ने कारगिल भेजा था जहां हमारे सेना के जवान तैनात थे, तो लगभग 300-350 राखी भेजी गई थी, तो आपकी बनाई हुई राखियों को सैनिक भाई पहने थे। उसी तरीके से दिवाली पर जो भी आप सामग्री बनाएंगे वो आप अपने घर पर सजावट के रूप में यहाँ से ले जाएंगे, अपने हाथ से बनाई हुई चीजों से